लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि 16 की उम्र में न्यूज चैनल पे एक इंटरव्यू दे रहूंगा, वो भी शाहरुख खान के घर के सामने। और ये भी नहीं सोचा था कि शाहरुख खान को अपना चैनल सब्सक्राइब करने बोलूंगा। यस, सही सुना। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर किंग खान के घर के बाहर बीती रात हजारों फैन। हेलो भाई, यार ये शाहरुख खान तक कैसे पहुंच सकता हूँ? रिसेंटली चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। इमेजिन 2000 लोग एक जगह पे। यस, बट आई नो ये सारे 2000 सब्सक्राइबर एक साथ आना इम्पॉसिबल है, बट सारे फैंस को घर के नीचे लाना सिर्फ एक आदमी कर सकता है। पर मेरा क्या, मैंने हमेशा से शाहरुख खान को अपने आइडल की तरह देखा है। इनफैक्ट शाहरुख खान के फेम फील करने के लिए मैंने नकली बॉडीगार्ड और मीडिया भी हायर कर दी थी, बट शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते। अब कुछ बात हो सकती थी तो वो शाहरुख खान से मिलकर ही हो सकती थी। हे सिरी, हाउ टू मीट शाहरुख खान। अब तो सिरी ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पर इसके बाद मैंने ट्राई किया सबसे डेंजरस वेबसाइट को। I'm from India. What about you? Do you know Shahrukh Khan? Yes. You know him? Do you know any way that I can meet him? How can I meet him? भाई यार गालियाँ पड़ रही है, ये शाहरुख खान तक कैसे पहुँचे यार? भाई तू शाहरुख खान का फैन है ना? शाहरुख खान का बर्थडे है, तू मुंबई चले जा यार, देखो देख जाएंगे वो। अब मुझे एक तरीका मिल चुका था, बट शाहरुख के घर के बाहर देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सब आते हैं शाहरुख को देखने के लिए और भीड़ बनाकर चले जाते हैं। बट कम ऑन यार, इतना सिंपल तो कोई भी कर लेगा। नकली बॉडीगार्ड्स हायर करना, आईपीएल में फ्री में घुसना, साफ को अपना दोस्त बनाना, 50 घंटे खड़ा होना, वड़ा पाव फ्री में बेचना, प्रोटेस्ट करना, स्कैम करना, दिस सो मच क्रेजीनेस दैट आई हैव डन इन द पास्ट एंड आई थिंक इट वाज टाइम अगेन। व्हाट इफ शाहरुख खान हिमसेल्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे? भाई और फेम की जरूरत ही नहीं है। बट जोक्स अपार्ट, फिर मैंने एक ऑलमोस्ट अपने हाइट का पोस्टर बनवा दिया एंड नेक्स्ट थिंग यू नो मैं शाहरुख खान को जादू की झप्पी दे रहा था। एंड जब सब बाहर शाहरुख शाहरुख चिल्ला रहे होंगे, मैं भी चिल्ला रहूंगा, बट खुद के सेल्फ प्रमोशन के साथ। बहुत सारे पैम्पलेट्स प्रिंट कराने के बाद अगले दिन आई वॉज ऑन माई वे। एक मिनट यार, ये इतने सारे ट्विस्ट क्यों आते हैं यार? सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि शाहरुख खान ऑलरेडी ग्रीटेड हिज फैंस लास्ट नाइट और मैं स्कूल बंक करके निकल भी चुका था। ऑल्दो कुछ आइडिया नहीं था, बट बस एक होप थी एंड आई वॉज ऑन द वे। Yes boys, we made it to Mumbai. It's currently 40 degrees right now. Okay, that right there is Shahrukh Khan's house. अभी 2 ही बज रहे हैं. So for the next 2 hours, बस इधर खड़े रहना है और sea waves enjoy करनी है. People अभी waiting here for 24 hours. उससे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग रुके हुए हैं. यार, ये गलत बात है. अब मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें दिख रही थी, बहुत पुलिस और बहुत लोग, पर एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था इफ यू विल कम और नॉट। सब लोग मेरी तरह बस एक ही चीज़ के साथ रुके हुए थे, होप। थोड़ा टाइम निकलता गया, गर्मी बढ़ती गई, पुलिस हर जगह से भगाती गई और अब बस होप ही थी। और मेरा पोस्टर देख के तो मेरे इतने सारे फैंस बन गए। लिटरली लाइफ में सोचा नहीं था कि आंटी आके मेरे साथ फोटो खिंचवाएगी। वाओ, दिस इज द वे। एंड कम ऑन यार, शाहरुख खान को जादू की झप्पी दे रहे हो, न्यूज पे तो आना ही था। लोग पोस्टर को देख के पागल हो जा रहे थे और सोच रहे थे कि कौन है ये बंदा जो कि शाहरुख खान के साथ जादू की झप्पी कर रहा है। और मुंबई है, टाइम तो निकलते जा रहा था और इस टाइम पे रास्ते पे अब चलने की भी जगह नहीं बची थी और अब थोड़ा हो पा रहा था दैट वी माइट गेट टू सी हिम। बहुत ही क्रेजी रिएक्शंस देखने मिल रहे थे, लिटरली हर एक बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा था, बलून उड़ रहे थे, ड्रोन उड़ रहा था, लोग पागल हो चुके थे, प्रिपरेशंस हो चुकी थी। और इस बीच भीड़ मैंने रियलाइज किया कि कैसे मैं किसी दोस्त के बिना यहाँ आ गया, बस अकेले एक बिलीफ के साथ। और इतना टाइम वेट करने के बाद फाइनली टाइम आ चुका था और मेरे मन में बस एक ही चीज चल रही थी। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अरे ये सब तो ठीक है, पर शाहरुख भाई ने पोस्टर देखा कि नहीं, वेव तो कर रहे थे। और बस वही कंफर्मेशन करने के लिए मैं साथ में पैम्फलेट्स लाया था जो कि मैं बांटने लग गया। ये दिन किसी सपने से कम नहीं था। यस भाई चलो ना मुंबई जाते हैं, एक्सपीरियंस होगा एक अच्छा। अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ अभी। ठीक है भाई कैंसिल। या तो मैं इसे ऐसे देख रहा होता या वहां जाकर लाइव देख रहा होता। लाइफ में चॉइस तुम्हारी है।